ऑलराइट गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू दिस चैनल एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो यार, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है आप लोगों की कि विटामिन सी सीरम पे एक वीडियो बनाइए, विटामिन सी सीरम का रिव्यू कीजिए, क्या हमें विटामिन सी सीरम यूज करना चाहिए फॉर एक्ने प्रोन स्किन। तो देखो यार, अगर आपके स्किन के ऊपर अभी एक्टिव एक्नेस है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने चाहिए। जितने मिनिमम हो सकते हैं उतने ही प्रोडक्ट पे आपको स्टिक रहना चाहिए, और हो सके तो आपको जितना यूज करो नेचुरल रेमेडीज पे यूज करो, बिकॉज जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एक्ने प्रोन स्किन के लिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, उनको आप ज्यादा लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं कर सकते। सो आपको एक ऐसा अल्टरनेटिव देखना होगा जो कि आपकी स्किन को भी हेल्प करे और आपको साइड इफेक्ट्स भी ना दें, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे लोग हैं जो यूज करना चाहते हैं विटामिन सी सीरम, तो विटामिन सी सीरम यूज करने से पहले आपको मेरी 5 से 6 बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है, ताकि आपको जितने भी जो इफेक्ट्स हैं वो मिले, कोई साइड इफेक्ट ना मिले विटामिन सी सीरम का। बिकॉज अगर कोई चीज फायदा कर रही है तो नुकसान भी कर सकती है अगर आप उसको सही तरीके से यूज नहीं करोगे। तो यार, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं ऐसा कॉन्टेंट लाता रहता हूँ जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखो यार, आज की सबसे पहली बात जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है विटामिन सी सीरम यूज करते हुए, तो सबसे पहली बात, डोंट यूज विटामिन सी सीरम्स विद बेंजोल परोक्साइड। देखो यार, बेंजोल परोक्साइड क्या करता है, बेंजोल परोक्साइड विटामिन सी को जो है ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे कि विटामिन सी का जो जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि सुबह आप जो है मॉर्निंग में विटामिन सी सीरम यूज कीजिए, देन आप जो है नाइट में सोने से पहले बेंजोल परोक्साइड का प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्नेस है, वो बेंजोल परोक्साइड के क्रीम्स, उसके फेस वॉशेस यूज करते ही रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप विटामिन सी सीरम यूज करना चाहते हो तो आपको उस दोनों को साथ में कभी भी यूज नहीं करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोंट यूज विटामिन सी सीरम्स विद रेटिनॉइड्स, रेटिनॉल्स, ठीक है। अगर आप रेटिनॉइड्स, जो कि रेटिनो क्रीम्स आती हैं जिसके अंदर विटामिन ए का जो डेरिवेटिव है रेटिनॉइड, तो अगर आप उन वैसी क्रीम्स यूज करना चाहते हो जैसे कि आइसोट्रेटिनोइन वगैरह, तो आपको विटामिन सी सीरम के साथ कभी भी यूज नहीं करनी है, बिकॉज डॉक्टर भी इसकी सलाह नहीं देते हैं। बिकॉज दोनों का ही वर्क है, वो ऑलमोस्ट आपकी स्किन को रिपेयर करना है, तो दोनों को एक साथ यूज करना सही नहीं रहेगा। तो प्लीज दोनों को यूज ना करें, बिकॉज दोनों ही अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है। तो अगर आप दोनों को साथ में यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई साइड इफेक्ट या इरिटेशन हो अपनी स्किन के ऊपर। सो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा और दोनों को साथ में यूज मत कीजिएगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको अपना विटामिन सी सीरम जो है मॉर्निंग टाइम में यूज करना है। मॉर्निंग टाइम में यूज क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि आपको जो है इसको नाइट टाइम में यूज करना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको मॉर्निंग में क्यों यूज करना है। देखो यार, विटामिन सी सीरम का काम है ये आपकी स्किन को जो है यूवी रेडिएशन से भी बचाता है। तो जब आप सुबह बाहर निकलते हैं तो वहां पे उस टाइम जो धूप निकलती है थोड़े टाइम बाद में, तो उसमें जो यूवी रेडिएशन है वो अपने पीक पे होता है। तो ऐसे में जब आप बाहर निकलेंगे तो विटामिन सी सीरम आपकी स्किन को जो है प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। सो अगर आप, तो आपको उसका उस टाइम ज्यादा जरूरी है विटामिन सी सीरम यूज करना, ना कि रात में जब आप सो रहे हैं, ठीक है। आप दोनों टाइम यूज कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में यूज करना मस्ट है, तो मॉर्निंग में हमेशा यूज कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि जो लोग ज्ञानी है ज्यादा, तो वो लोग ये बोलेंगे कि जो विटामिन सी सीरम है उसका इफेक्ट कम हो जाता है जब आप ये डायरेक्ट सनलाइट में आता है। तो देखो यार, उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा उन लोगों से कि अगर आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया इसको, तो 5 से 10 मिनट में जो है आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप गुड टू गो है, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, इसका इफेक्ट उतना ही रहेगा, ठीक है। और आज की वीडियो का 4th टिप ये है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्किन एक्ने प्रोन स्किन होती है और सेंसिटिव भी होती है, तो ऐसे लोगों को विटामिन सी सीरम की जितनी कम कंसेंट्रेशन में यूज कर सकते हैं उतने से शुरुआत करनी चाहिए। अगर उनको सही लगे, उनकी स्किन इरिटेट ना हो, तो आगे हायर कंसेंट्रेशन पे जा सकते हैं। तो आपको हमेशा 5% से स्टार्ट करना है और देखना है आपकी स्किन किस तरह से इसके लिए रिएक्ट करती है। अगर अच्छा आपको फील होता है तो आप उसको कंसेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको 5% से इरिटेशन या इचिंग हो रही है तो आपको वो यूज नहीं करना चाहिए। बिकॉज जो विटामिन सी सीरम होता है उसके साथ यही होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्किन इरिटेट होती है, ड्राई हो जाती है, तो ऐसे लोगों को जो है जिनकी सेंसिटिव स्किन है स्पेशली, उनको ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जिनको बहुत सारे एक्ने स्कार्स वगैरह हैं, उनको हायर कंसेंट्रेशन में यूज करना पड़ेगा।
तो वो अलग चीज़ है, लेकिन पर्टिकुलरली सेंसिटिव स्किन की बात करें तो 5% से ऊपर आपको नहीं जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको फिफ्थ पॉइंट में कि इसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टोर करना है, बिकॉज जो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर आप इसको थोड़ा भी खुला छोड़ेंगे। अगर आपने इसको कहीं ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे इस पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर ये आपका इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो फिर इसको यूज़ करना ना करना एक बराबर सा हो जाएगा। सो अगर आप इसको सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो आपको हमेशा इसको ऐसी बॉटल में रखना है जो कि एयर टाइट हो, ठीक है, ओपीक्यू हो, तो ऐसी चीज़ों में आपको इसको स्टोर करके रखना है ताकि इसका इफेक्ट कम ना हो, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि देखो यार, वाइटमिन सी सीरम बहुत अच्छी बात है। वाइटमिन सी स्किन केयर में यूज़ करना बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि वाइटामिन सी के बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए भी अच्छा है, लेकिन अगर अच्छा तभी है जब आप इसको ओरली लेते हो, ठीक है। ओरली इससे मेरा मतलब है कि अगर आप फूड्स के थ्रू ले रहे हो, सप्लीमेंट्स के थ्रू ले रहे हो, तो इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप ओनली इसको स्किन पे अप्लाई करेंगे तो इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो ओनली प्रोडक्ट्स तक ही आपको सीमित नहीं रहना है, आपको इसको अपने डाइट में भी शामिल करना है। वाइटमिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको अपना वाइटमिन सी कंजप्शन जो है बढ़ाना चाहिए। अच्छे फ्रूट्स खाइए जिसके अंदर वाइटमिन सी रिच हो, और ऐसे सप्लीमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर वाइटामिन सी आपको देखने को मिल जाए। देखो वाइटामिन सी जो है आपको सीरम्स में नहीं, आपको मॉइस्चराइजर्स में भी मिल जाता है, आपको जो आजकल सनस्क्रीन्स में मिल जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सीरम ही लेना पड़ेगा वाइटामिन सी के लिए। आप बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, वो भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 से 6 बातें थी जो आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्नेस है, पिंपल्स हैं और आप यूज़ करना चाहते हो वाइटमिन सी सीरम, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, तभी आप साइड इफेक्ट से बचोगे। अदरवाइज इनमें से कोई भी गलती अगर आप कर रहे हो या करते हो तो प्लीज आज ही स्टॉप कर दो, अदरवाइज आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो यार, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए अगर आपको पसंद आई तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने अभी तक आपको इस वीडियो में नहीं बताया, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखो यार, वाइटामिन सी सीरम्स अगर आप स्टार्टिंग में यूज करते हो आपकी स्किन बहुत अच्छे से उसकी तरफ रिएक्ट करती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्लम्प फील होता है, बहुत यानी कि एक ग्लो रहता है आपके फेस पे। लेकिन जब आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको 6 महीने तक रेगुलर यूज कर रहे हो, उसके बाद आपकी जो स्किन है वो इतने अच्छे से इसकी तरफ रिएक्ट नहीं करती, आपकी स्किन धीरे धीरे ड्राई होने लगती है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, ठीक है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहे लोगों का, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाइटमिन सी सीरम यूज़ किया है लॉन्ग टर्म में, तो उनको जो स्किन जो है उनकी ड्राई आउट हुई है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी वाइटमिन सी सीरम की वजह से स्किन ड्राई हो रही है, तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं हाइलोरोनिक एसिड के साथ में, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसका काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है। हाइलोरोनिक एसिड करता क्या है, वो आपकी स्किन में जितना भी मॉइस्चर है आपकी एपिडर्मिस पे उसको लॉक करके रखता है, जिससे कि आपकी स्किन प्लम्प रहती है और हमेशा मॉइस्चराइज रहती है, तो ये बहुत अच्छा इसका जो है एडवांटेज है। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो रही है वाइटमिन सी सीरम यूज़ करने के बाद, तो आप ये चीज़ करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल आपके लिए टिप था, और जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और देखो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है वाइटामिन सी सीरम से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है कि हाँ मुझे ये चीज़ आपसे मुझसे पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मेरा डिजिटल शुभम मेरा यूजर नेम आप देख सकते हो, डिजिटल शुभम इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, जो पूछना है आप पूछ सकते हो, ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में मेरी तरफ से यार इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई किसी भी रीज़न की वजह से, अगर आपको जो मैंने आपको ये नॉलेज दी वो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज एज अ स्मॉल यूट्यूबर हम लोगों को सब्सक्राइब के लिए बोलना पड़ता है, बिकॉज हमारा अभी ऑडियंस बेस इतना नहीं है यार कि हमारे हज़ारों लाखों व्यू आ जाए पर वीडियो, तो थोड़ा सा हमें बोलना पड़ता है, आई नो थोड़ा सा इरिटेटिंग है लेकिन क्या करें, ठीक है।